माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ टीचर आप शिवानी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में सेवेंथ क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक अध्ययन कर लिया था। आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक घनाकार पानी की का टैंक 6 मीटर लंबा, 5 मीटर चौड़ा एवं 4.5 मीटर गहरा है। टैंक की लंबाई है, लंबाई बराबर 6 मीटर, चौड़ाई बराबर 5 मीटर और गहराई या ऊंचाई, गहराई बराबर 4.5 मीटर है। टैंक में कितने लीटर पानी आएगा, यानी उस टैंक में एक टैंक है जिसकी लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है और गहराई 4.5 मीटर है। पूछा गया है कि टैंक में कितने लीटर पानी आएगा, तो सबसे पहले हम इस टैंक का आयतन निकालेंगे। तो टैंक का आयतन, टैंक का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या गहराई। तो बराबर लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर और ऊंचाई है 4.5 मीटर। तो इसका आयतन हो जाएगा 5×6=30। तो 30 गुणा 4.5 बराबर, इसका गुणा करने 0, 3 बचे 15, 3×4=12 और 1×13.5 यहां लग जाएगा घन मीटर। घन मीटर 135 घन मीटर पानी आएगा, लेकिन इसने पूछा है कि कितने लीटर पानी आएगा। तो इसके लिए फिर से एक पैमाना है, एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर। अब इस पैमाने को आप ध्यान दें, अगर टैंक आप 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा बनाते हैं तो 100% उसमें पानी 1000 लीटर आएगा। तो 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो 135 घन मीटर बराबर 135 गुणा 1000 बराबर 3×0 हो जाएगा। कितने लीटर 135,000 लीटर पानी टैंक में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर सेवन में है एक गांव की आबादी 4000 है, गांव में प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिदिन पानी की आवश्यकता 150 लीटर है। पानी एकत्र करने के लिए गांव में एक टैंक 20 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा बनाया गया है। इसमें कितने दिनों का पानी एकत्र किया जा सकता है। तो टैंक की लंबाई है, पहले तो कुल पानी चाहिए एक व्यक्ति के लिए। इसने कहा एक गांव में प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिदिन की आवश्यकता 150 लीटर है। एक व्यक्ति के लिए आवश्यक पानी बराबर 150 लीटर। तब 4000 लोगों के लिए 4000
लोगों के लिए एक दिन का पानी, एक दिन का पानी बराबर 4000 और गुणा 150 बराबर 4 तो 0 इधर हो गए और 1500 को 7 यानी 600000 लीटर पानी चाहिए एक दिन में। पूरे गांव को एक दिन में 600000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। अब टैंक बना है, जो टैंक बना है उसका मेजरमेंट है 15 × 20 × 15 × 6। तो टैंक का आयतन, टैंक का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई या गहराई। तो लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर और गहराई है 6 मीटर। इस मेजरमेंट का टैंक बना हुआ है तो 15 × 30 300 हो गया और गुणा 6 बराबर 6 × 1800 घन मीटर। उस टैंक का आयतन 1800 घन मीटर है। तो अब उसमें कितना पानी आ रहा है, टैंक की क्षमता मीटर में। तो एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर, इसलिए 1800 घन मीटर बराबर 1800 घन मीटर बराबर 1800 और गुणा 1000 बराबर 18 के नीचे 1000 हो जाएगी, 5 0 यानी 1800000 लीटर उस टैंक में 1800000 लीटर पानी आएगा। ठीक, अब कह रहा है आपको बताना है इसमें कितने दिनों का पानी एकत्र किया जा सकता है। तो कुल आयतन को एक दिन के आयतन से भाग दे दिया जाए तो दिनों की संख्या बराबर 1800000 और बटे 600000। एक दिन में 600000 लीटर चाहिए और 1800000 लीटर पानी है तो 600000 से इसको भाग दे दिया जाए तो 5 0 से 5 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 = 6, 6 × 3 = 18 बराबर 3 दिन। उस टैंक में उस गांव के लिए 3 दिन के लिए पानी एकत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन परस्पर दो जोड़ दिए जाते हैं, इस प्रकार बने घनाभ का आयतन निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, 8 सेंटीमीटर नो 6 सेंटीमीटर। अब देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है दो घन, घन की का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है तो इस प्रकार से एक वर्ग तो ये हो गया यानी 6 सेंटीमीटर, इसी से लगा करके दूसरा घन और रख दिया गया तो 6 सेंटीमीटर ये हो गया और 6 सेंटीमीटर ये हो गया, यानी बनी आकृति की लंबाई 6 मीटर हो गई और 12 मीटर, 6 और 6 = 12 मीटर, इनको जोड़ देंगे तो 12 मीटर, लेकिन इसकी ऊंचाई और चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आएगा। तो नए घनाभ, बने घनाभ, घनाभ की लंबाई बराबर होगी
6 + 6 = 12 cm चौड़ाई होगी, चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर इसका आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर, लंबाई है 12 और गुणा 6 गुणा 6 तो 36 बराबर 36 × 12 बराबर 12 × 6 = 72 और 12 × 3 = 36 = 43 432 घन सेंटीमीटर। यानी इस नए घनाभ का आयतन जो दो घन जोड़कर बनाया गया है उसका आयतन 432 घन सेंटीमीटर होगा। 9 नंबर में है, किसी घन के आयत, किसी घन के आयत में क्या परिवर्तन होगा, आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि इसकी भुजा दो गुनी हो जाए। अब 9 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है, यदि किसी घन के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि इसकी भुजा दो गुनी हो जाए। तो मान लेते हैं, माना घन की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर तब घन का आयतन बराबर भुजा के घात 3 बराबर 1³ घन सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है इसकी भुजा दो गुनी कर दी जाए तो नए घन की भुजा बराबर दो गुनी कर दी जाए तो 2a हो गई। नए घन का आयतन बराबर भुजा के घात 3 बराबर 2a के घात 3 बराबर 2a × 2a और × 2a बराबर 1a³। अतः 1a³/a³=8 8 गुना आयतन अधिक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसके भी दो पार्ट और हैं, आधी कर दी जाए 3 गुना कर दी जाए तो ये आप अपने आप कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।